कलर्स ऑफ लाइफ इट्स मी आरती हियर और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अमेज़न से ये दो साड़ीज एंड साड़ी कवर। यस, तो मैंने इनको 2 महीने पहले ही लिया हुआ था एंड मैंने इसको गिफ्टिंग पर्पज के लिए लिया था, अपनी मम्मी के लिए लिया था, लेकिन अब लॉकडाउन अभी सिचुएशन ऐसी है तो मैं मम्मी के पास जा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसका भी रिव्यू अपने चैनल पे शेयर कर दूं, तो इसीलिए अब चलिए इसको देख लेते हैं खोल के। तो फर्स्ट साड़ी ये वाली है, तो ये लीजा स्टोर की साड़ी है। जब मैंने इसको ली थी तो मुझे पड़ा था इसका 1100 समथिंग, लेकिन अभी इसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लोग इसको लेना चाहें तो जरूर चेक करना। एंड मैंने इसको वेयर भी किया है, मैं पिक्चर लास्ट पे दे दूंगी एंड मैंने एक अच्छा सा वीडियो भी बनाया तो लास्ट में एंटर कर दूंगी, तो आप लोग जरूर एंड तक इस वीडियो को देखना गाइस। एंड यस, तो फ्रेंड्स ये गंदा सा बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना, सब कुछ इधर उधर पड़ा रहता है क्योंकि ये रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता एंड सबके वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके वीडियो बना रही हूँ। लेंथ काफ़ी अच्छी है इसकी, मेरी हाइट बहुत लंबी है फिर भी मुझे भी बहुत ही अच्छे से ये आ रही है एंड 5.5 मीटर होगी इसकी। एंड इसका जो ब्लाउज का पीस है वो भी यहाँ पे यहीं पे अटैच किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये आएगा स्लीव्स में, स्लीव्स में बॉर्डर है एंड ब्लाउज प्लेन है, बट कपड़ा काफी अच्छा है। ये सिल्क है, प्योर सिल्क नहीं है, ये किस टाइप का सिल्क है पता नहीं, मुझे कपड़ों का उतना नॉलेज नहीं है, बट वहां पे लिखा है बनारसी सिल्क समथिंग। एंड यस, काफी अच्छी है इसकी भी स्टफ अच्छा है एंड साड़ी स्टार्ट होती है यहाँ से साड़ी स्टार्ट होती है, तो आप लोग देख सकते हो साड़ी में ये वाला पैटर्न बनाया हुआ है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड बॉर्डर है, ऊपर भी बॉर्डर है नीचे भी बॉर्डर है एंड इधर आता है आपका ये क्या कहते हैं इसको पल्लू। ओके, सो यहाँ पे आता है आपका पल्लू, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद आया एंड ये थोड़ा सा शाइनी सा है, इसका मटेरियल शाइनी सा है तो बहुत अच्छा लगा। तो ये साड़ी मैंने ली थी 1100 समथिंग में एंड ये वाली साड़ी जो है ये ऐसी साड़ी है कि अगर आप मम्मी हो, आप 40+ हो तब भी इसको वेयर कर सकते हो एंड अगर आप टीनेजर हो या फिर वो यंगस्टर हो 20-22 की उम्र के हो तब भी आप इसको वेयर कर सकते हो। और इसको आप, इस वाली साड़ी को आप अगर कोई बड़ा वाला फंक्शन है तब भी आप इसको वेयर कर सकते हो ज्यादा ज्वेलरी के साथ एंड अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन है, पूजा है या फिर दूर के रिश्तेदार के यहाँ कोई फंक्शन है तो उसमें भी आप इसको वेयर कर सकते हो ज्वेलरी कम करके। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये साड़ी बहुत पसंद आई एंड मैंने अपनी मम्मी को तुरंत इसका फोटो क्लिक करके भेजा एंड मैंने खुद से वेयर करके भेजा तो उनको भी बहुत पसंद आए, बट अभी उनको दे नहीं सकती तो मैं अपना यहाँ पे रिव्यू दिखा रही हूँ, मैंने परमिशन ले लिए बाय द वे। सो गाइज, इसको वेयर करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छे से वेयर करना नहीं आता तो मुझे जितना आता है उतना ही मैंने वेयर किया है एंड मैं यहाँ पे थोड़ा अपना टाइम पास कर रही हूँ, तो वो क्लिप भी एंटर कर दिया है मैंने। तो अगर आप स्लिम हो, अगर आप थिन भी हो, पतले हो, तब भी ये साड़ी आप पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो मटेरियल है वो स्टिफ है, इसीलिए ये फूलता है तो अच्छा लुक देता है। सेकेंड साड़ी अभी मैं दिखा रही हूँ, तो सेकेंड साड़ी देखते हैं चलिए। तो ये है दूसरी वाली साड़ी, यहाँ पे इनका बहुत ही अच्छा वाला दिखाया हुआ है एंड अमेज़न में भी यही वाला पिक्चर है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से वेयर किया है एंड ये साड़ी ना मुझे बहुत ही पसंद आई, वो वाली भी पसंद आई, पिंक वाली भी पसंद आई, बट वो थोड़ा स्टिफ है उसका फैब्रिक, तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको उसको वेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी वेयर करने में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये मैंने अच्छे से वेयर कर लिया
क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है इसका, तो बहुत ही लाइट वेट है। तो सबसे पहले ब्लाउज का पीस देख लेते हैं। सत्य हो ये है इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज का पीस मुझे इतना अच्छा कपड़ा नहीं लगा, मुझे कपड़ों का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर लाइनिंग लगाने पड़ेगी, इनर लगाना पड़ेगा टेलर से बोल के। एंड आपका ये जो डिजाइन है ये आ जाएगा इधर स्लीव्स में। तो डिजाइन तो काफी अच्छा है, कलर भी काफी प्यारा है, बट इसका थोड़ा सा थिन है मटेरियल, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये मैंने लिया था 600 रुपीस में, तो 600 के हिसाब से तो काफी अच्छा है। 600 में तो अभी एक ब्लाउज रेडीमेड खरीदने जाओ तब भी 400-500-600 पड़ जाता है। एंड देन ये है अपनी साड़ी। अगेन मुझे साड़ी तो स्टैंड करके दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग अच्छे से नहीं देख पाओगे। ओके सो गाइज, ये है साड़ी, मतलब ये ऐसा वाला है, ये ऊपर है, ये ऊपर का डिजाइन है, नीचे का। तो हमको पहले तो ये प्लेन कपड़ा मिल रहा है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक है ये। तो अगर आप बिगिनर भी हो साड़ी पहनने में तो आप इजीली इसको पहन सकते हो। देन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बॉर्डर, आप लोग देख सकते हो ये बॉर्डर, ऊपर का बॉर्डर है एंड देन नीचे भी इसका बॉर्डर है। नीचे दूसरी वाली डिजाइन है इसके बॉर्डर की, यस, तो ये नीचे वाली डिजाइन है। तो ये सारी जॉर्जेट की मटेरियल है, तो थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इसके अंदर तो आपके मतलब सेम कलर की ही साड़ी के अंदर जो पहनते हैं वो पहनना पड़ेगा। एंड ये ऐसी ही है, एंड इसका पल्लू में भी कोई दूसरा डिजाइन नहीं है, ये भी है डिजाइन, पल्लू में भी यही डिजाइन है। तो पल्लू भी इस तरह का आएगा आपका पल्लू, आप लोग देख सकते हो। बट मुझे ये वाली साड़ी काफी अच्छी लगी, क्योंकि एक तो ये बहुत ही लाइट वेट है तो इजीली पहन सकते हो, एंड भारी भी नहीं है, बट दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड 600 रुपीस में तो बहुत ही अच्छा है, वर्थ द प्राइस मैं बोलूंगी इसको। दूसरी साड़ी ये थी, तो मैंने आप लोगों को आई होप अच्छे से दिखा दिया होगा, एंड आप लोग देख सकते हो मैंने इसकी कैसी हालत कर दी है, एंड दूसरी वाली की भी कैसी हालत कर दी है। अभी मुझे उसको फोल्ड। सो फ्रेंड्स, दूसरी वाली साड़ी पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, मेरे पास ब्लाउज नहीं है एंड इसीलिए टी शर्ट के साथ पहना है, आप लोग को आइडिया हो जाए इसीलिए पहन के मैं। पर मुझे दोनों ही साड़ी बहुत अच्छी लगी, पहली वाली जो है वो फंक्शंस में जाने के लिए एंड पूजा में जाने के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड दूसरा वाला तो रेगुलर, अगर आपकी मम्मी, आपकी चाची, आंटीज अगर रेगुलर साड़ी पहनती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे पहनती है, तो उनको अगर इस तरह की साड़ीज गिफ्ट करोगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फैब्रिक बहुत ही लाइट है, लाइट वेट है, इसकी वजह से पहनने में भी आसानी होगी एंड पहन के चलने में भी आसानी होगी। लोग देख सकते हो ये वाला लिया है मैंने साड़ी कवर, काफी अच्छा है, काफी स्पेशियस है, आप लोग देख सकते हो काफी स्पेशियस है, इसी में डाल के रखा था मैंने। ये भी मैंने अमेजोन से लिया है एंड ये इसका आया था सेट ऑफ 3, दोनों मैंने यूज कर लिए हैं, अपने लहंगा वगैरह रख लिए हैं एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत स्पेसियस है एंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, तो आपने कौन सी साड़ी कहाँ पे रखी है आपको इजीली पता चल जाएगा यहाँ से। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड अगर आप साड़ी वेयर भी नहीं करते हो, आप सिर्फ कुर्तीज वेयर करते हो, वेस्टर्न वेयर करते हो, तब भी आप अगर ये वाला लोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा अपने कंफर्ट में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, टी शर्ट्स वगैरह रखने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। एंड इसका जिप जो है ना, जिप थोड़ा सा मुझे ये बाकी दोनों की ठीक थी, लेकिन इसका थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो रहा था, लेकिन अभी देखो अभी अच्छे से लग रहा है, आप लोग देख सकते हो जिप भी ठीक ठाक है। और इसका मुझे पड़ा था सेट ऑफ 3 का 250 और समथिंग पड़ा था, नहीं 250 नहीं 280-290 समथिंग पड़ा था सेट ऑफ 3 का, तो काफी अच्छा है, बहुत ही स्पेशियस है। इसमें तो अगर इस तरह के लाइट वेट साड़ीज तो 10 भी आ जाएंगे, एंड अगर आपके पास हैवी लहंगा, ब्राइडल लहंगा है तो एक ही लहंगा आएगा इसमें, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, एंड साड़ीज है तो इसमें
7, 8 और 10 तक आएगी साड़ी, अगर शिफॉन की साड़ी है और जॉर्जेट की साड़ी है तो इसमें 10 साड़ी भी आ जाएगी। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा एंड मैं इसको और भी ऑर्डर करने वाली हूँ अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी साड़ी ज्यादा पहनती नहीं है लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा साड़ीज है, तो उनके लिए मैं और भी ऑर्डर करने वाली हूँ। ये गाइस मैंने साड़ी दिखा दिया है, पहनने के बाद कैसा लग रहा है वो भी दिखा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साड़ी खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।